To my channel Coding with Ninjas. Today we are going to solve the HackerRank next problem, which is 2D array DS, and this is basically RGROS problem. Okay guys, so as you can see, जैसा कि हम देख सकते हैं इस प्रॉब्लम में हमें 6x6 का 2D array दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें हमें जिसका ग्राफिकल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह दिखता है, ठीक है. और हम इस 6x6 के 2D अरे में से हमें आरग्लास बनाने हैं और उसका मैक्सिमम सम फाइंड करना है. लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, ठीक है. एज यू कैन सी, ये हमारा क्वेश्चन प्रॉब्लम है, ठीक है. बेसिकली दिस इज 6x6, राइट. बट जब हम इससे आरग्लास बनाएंगे तो हमारे पास ओनली 4x4 के बनेंगे, राइट. मतलब 4 रो एंड 4 कॉलम, ठीक है गाइस. हमें इसका सिंपल आउटपुट निकालना है 19, ठीक है. तो हमें बेसिकली कौन सा आर ग्लास मैक्सिमम सम रिटर्न कर रहा है, ये वाला 2 4 4 2 एंड 1 2 4, ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. यहाँ हमें एक फंक्शन दिया हुआ है आर ग्लास सम, दैट इज़ बेसिकली इंटीजर टाइप. ओके, सो हमें रिटर्न करना है मैक्सिमम आर ग्लास, राइट. मैक्सिमम आर ग्लास सम, कूल. तो हम वो वेरिएबल ले लेंगे सबसे पहले, ठीक है. मैक्सिमम आर क्लास सम, ठीक है, जिसे हम इनिशियलाइज कर देंगे इंटीजर डॉट डॉट मिनिमम डॉट वैल्यू से, ठीक है. नाउ अब हमारे पास क्या है, ये हमारा प्रॉब्लम है, ठीक है. हमें क्या चाहिए, रो चाहिए हमें और कॉलम चाहिए, ठीक है. हमें कॉलम चाहिए और रो चाहिए, ठीक है. सो हम इनिशियलाइज करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल रो को, ठीक है. अब इस रो का हम साइज़ कहाँ कैसे फाइंड करेंगे, जो हमारा लिस्ट दिया हुआ है लिस्ट ऑफ इंटीजर, हम उससे अपने रो का साइज़ फाइंड कर लेंगे, अरे डॉट साइज, ठीक है. सेम थिंग हम कॉलम का साइज़ फाइंड करेंगे, ठीक है गाइज. नाउ अब हमें क्या करना है, इटरेट करना है 1x1 वैल्यूज़, ठीक है, किसकी, रो की एंड कॉलम की, और उसका सम रिटर्न कराना है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लूप लगाएंगे इटरेट करने के लिए, राइट. आई लिया, आई शुड बी लेस देन रो एंड आई प्लस प्लस, कूल. अभी हमारा सेकेंड होगा किसके लिए, दूसरा लूप जो होगा हमारा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, कॉलम को, ठीक है गाइस. जे इक्वल टू 0, बहुत ही सिंपल वे में हम लोग करने वाले हैं, इट वोंट बी डिफिकल्ट. ओके, ठीक है. अब जैसा कि हमने अभी देखा ना कि हमारा जो प्रॉब्लम है, हमारा जो 2D अरे है, बेसिकली इट इज़ 6x6, लेकिन हम जब इसको आर ग्लास बनाते हैं तो हमें 4x4 ही मिलता है. तो हम क्या करेंगे, हम जो लूप लगा रहे हैं उसमें से हमें रो में से भी 2 माइनस करना है, क्योंकि उसके बाद हमें आर ग्लास नहीं मिल रहा है, राइट गाइज. यहाँ से कॉलम में से भी 2 माइनस करने हैं, ठीक है. नाउ अब हम एक और वेरिएबल क्रिएट करेंगे जो क्या करेगा, हमारे इस करेंट मैक्स और क्लास सम, ठीक है, जो कि क्या करेगा, ये हम जब इटरेट करेंगे वैल्यूज़ उसके सम को होल्ड करेगा, ठीक है. देन वी विल कंपेयर दी बोथ वैल्यूज़, ठीक है. सो ठीक है, अब हम कैसे ऐड करेंगे 1x1 वैल्यूज़. तो लेट्स सी डॉट गेट, चूँकि हम लिस्ट यूज़ कर रहे हैं एंड वी हैव लिस्ट ऑफ लिस्ट इंटीजर, राइट. सो हम पहली रो के लिए पहली रो एंड पहले कॉलम को गेट कर रहे हैं, ठीक है, लिस्ट से डॉट गेट जी, ठीक है. एंड सेम थिंग हम आई देन गेट, अब हम एक और प्लस, कूल, और डॉट गेट
दूसरा कॉलम, ठीक है। ठीक है गाइस, सेम थिंग हम अप्लाई करेंगे। अभी हमने फर्स्ट रो के लिए सभी कॉलम को रीड किया, अब हम सेकंड रो के लिए। तो सेकंड रो पे जब हम जाएंगे तो अरे डॉट गेट, यहाँ होगा हमारा आई प्लस वन राइट डॉट गेट जे प्लस वन, कूल। इसके बाद हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं है राइट। अब हम सेकंड रो प्लस टू डॉट गेट फर्स्ट कॉलम डॉट गेट सेकंड रो डॉट गेट जी प्लस वन अरे डॉट गेट आई प्लस टू डॉट गेट जी प्लस टू, कूल। दिस इज डन। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम इस करंट आवर ग्लास सम को कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया है हमारा मैक्सिमम आवर ग्लास सम जो कि हमें रिटर्न करना है, ठीक है। तो हम उसमें असाइन करा देंगे कंपेयर्ड वैल्यू को, वी आर कंपेयरिंग वैल्यूज विद द हेल्प ऑफ मैथ डॉट मैक्स फंक्शन, कूल। तो अब हमें क्या करना है, हमारे पास ये मिनिमम है एंड देन अदर वैल्यू क्या है हमारे पास, करेंट है, कूल। ठीक है, देन हमें क्या कराना है, हमें रिटर्न करानी है दिस वैल्यू राइट। सो गाइस लेट्स चेक इज इट वर्किंग और नॉट, आई होप सो सारे सही हो। एंड दिस इज हम वाई वी आर गेटिंग दिस एरर, ठीक है। सो दिस इज ओके, सो दिस वॉर क्लोज, दिस वॉर इज क्लोज राइट, नाउ दिस इज क्लोज दिस भी, लेट्स सी, कूल। सो गाइस हमारा टेस्ट केस जो है फाइनली पास हो गया है, कूल। लेट्स सबमिट दिस कोड, ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट। इफ यू नो एनी अदर अप्रोच फॉर द सेम प्रॉब्लम प्लीज डू शेयर विद अस, ओके।